एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल यूट्यूब पे एक बहुत ज़्यादा चीज़ फेमस हो रही है और वो है ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स की पीलिंग सॉल्यूशन। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस चीज़ पे वीडियो बनाऊं। तो मैंने इस प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले बाय किया था और ये मैंने इतनी यूज़ की है अभी थोड़ी सी। तो अभी इसके रिजल्ट्स आपको बताने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। तो इससे बेहतर है कि अगर आप इस पर अपने पैसे लगाएं तो क्या ये आपको रिज़ल्ट उस तरह का देगी जो ये क्लेम करते हैं। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता कि पीलिंग सॉल्यूशन क्या है या इस बॉटल में क्या बला है, तो उनको मैं बता दूं, इस बॉटल में एक लिक्विड होता है जिसको पीलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। इस लिक्विड को हम अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं और ये हमारी स्किन के ऊपर केमिकल एक्सफोलिएशन करता है। इसको केमिकल फेशियल भी बोलते हैं, इसको 10 मिनट फेशियल भी बोलते हैं और इसको मेरिकल फेशियल भी बोला जाता है। इसमें AHA 30% और BHA 2% मौजूद है। AHA ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और सेट्रिक एसिड होते हैं और ये अच्छे एसिड होते हैं। ये आपकी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन होती है उसको पील करते हैं, आपकी जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव कर देते हैं। BHA साइसेलिक एसिड होते हैं, ये भी अच्छे एसिड होते हैं। इनका काम हमारी स्किन के ऊपर से डर्ट को रिमूव करना होता है। ये हमारी स्किन के ऊपर से एक्सेसिव ऑयल और सीबम को रिमूव करते हैं। आसान जुबान में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक केमिकल फार्मूला है जो आपकी स्किन के ऊपर से केमिकल वे में डेड स्किन सेल को रिमूव करते हैं। ये जस्ट आपने फेस के ऊपर 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करना होता है और इन 10 मिनट्स में ही ये आपकी स्किन को पील कर देते हैं, यानी जो आपकी स्किन के ऊपर डेड सेल्स होते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद ये स्किन में डीपली जाके आपकी एक्सेसिव ऑयल को रिमूव करते हैं और आपकी सीबम को, जिनके बहुत ज़्यादा फेस के ऊपर ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसको ख़त्म कर देते हैं या उसको कंट्रोल कर देते हैं। आई होप मैं आपको अच्छे से बात समझा पा रही हूँ या नहीं, आई डोंट नो, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। आप ये चीज़ समझ लें कि ये बहुत कोई माइल्ड, जेंटल और नॉन इरिटेटिंग फार्मूला बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअल में बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग किस्म का सॉल्यूशन है। दैट मीन्स अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और आपकी ऑलरेडी स्किन यूज्ड टू नहीं है इस तरह के एसिड्स के लिए, यानी आप कोई भी माइल्ड और जेंटल एसिड पहले से यूज़ नहीं करते आ रहे, इवन नॉट यूज़ हाइलुरोनिक एसिड, तो ये आपकी स्किन के लिए थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो मुझे इसने बिल्कुल भी कोई रिजल्ट नहीं दिया। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको अप्लाई किया था तो मैंने इसको ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट के बाद रिमूव कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चुभता है। उसके बाद सेकेंड टाइम मैंने इसको एक और ट्राई के लिए दोबारा यूज़ किया, क्योंकि जब मैंने इसको पहली बार ट्राई किया था तो मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आई, क्योंकि ये मैंने 2 से 3 मिनट के बाद ही रिमूव कर दिया था। और उसके बाद क्या इसका रिज़ल्ट मिलना था, क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर 10 मिनट्स मेंशन किया हुआ है कि आपने 10 मिनट्स से ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं रखना और ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए रखना है। तो मैंने तो इसको 2-3 मिनट के बाद ही रिमूव कर दिया था, और ये क्योंकि मुझे ये स्किन पे इरिटेट हो रहा था तो इसलिए मैंने इसको जल्दी रिमूव कर दिया था। सेकेंड टाइम जब मैंने इसको अप्लाई किया, फिर मैंने इसको पूरे 10 मिनट्स के लिए अप्लाई किया था, तो सेकेंड टाइम ये मुझे थोड़ा सा कम चुभा था। मैंने आपके सामने भी अप्लाई किया हुआ है आपको लाइव रिजल्ट दिखाने के लिए। जैसे बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि ये कोई मेडिकल सॉल्यूशन है या 10 मिनट्स फेशियल है, तो वो आपको मैं इसी वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखें आप, पूरे 10 मिनट्स के बाद मैंने इसको रिमूव किया है। जिस जगह मैंने अप्लाई किया था और जिस जगह पे नहीं अप्लाई किया था, वहाँ पे आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? मुझे तो इसका सेकंड टाइम में भी कोई फ़र्क नहीं नज़र आया था अपनी स्किन पे। इसका ऐसा रिजल्ट बिल्कुल नहीं है कि जिससे आप इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा अपने पैसे इन्वेस्ट करें। 3000 प्राइस है इसकी, और फिर ये एक रिस्की प्रोडक्ट ही है, क्योंकि इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है कि यह आपकी स्किन को सूटेबल भी होगी या नहीं, क्योंकि जिन लोगों की स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उनके लिए तो ये स्किन को डैमेज भी कर सकती है। तो मैं वैसे आपको रिकमेंड नहीं करूँगी इसका ये पीलिंग सॉल्यूशन ऑर्डिनरी का। इसके अलावा मैंने इनकी बाकी प्रोडक्ट्स नहीं ट्राई की, जब मैं ट्राई करूँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ये एक केमिकल प्रोडक्ट है, और अगर आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे और ये आपकी स्किन को, जो फर्स्ट लेयर है उसकी डेड स्किन को रिमूव कर देगी, तो मे बी आपकी स्किन को डैमेज भी करे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।